हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। हमें चार स्पीशीज दिए हुए हैं, ठीक है। हमें चार स्पीशीज दिए हुए हैं, क्या क्या? एन टू, एन टू प्लस, ओ टू एंड ओ टू प्लस। और हमें बताना है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे बोला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो बना लेते हैं। तो हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज, 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज क्या होता है बच्चों? मिक्स होता है, एसपी मिक्स होता है, ठीक है। 14 और लेस, 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज एसपी मिक्स। तो हमारा 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीशीज जो होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं, नो मिक्सिंग, ओके। चलो अब हम बना लेंगे। N2 क्या होता है बच्चों? देखो, N2 इक्वल्स टू हमारा होता है, हमारा टोटल का 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसका सात और इसका सात, नाइट्रोजन का एक, नाइट्रोजन का सात और दूसरे नाइट्रोजन का सात इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हमारा इसमें मिक्सिंग फॉलो होएगा, राइट। अगर मिक्सिंग फॉलो होगा तो हमारा कैसा आएगा? देखो क्या होता है, कॉन्फिगरेशन 1s2s2। हमें बस इसकी बात करनी है कि मैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, ये तो, ये तो हाईएस्ट होने चाहता है, तो ये कहीं देखो पहले, ये देखो ये 2p है, ओके। तो इसमें क्या होगा, देखो N2 मतलब यहाँ पे पी 1, 2 एंड 3 आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। एक तो पहले सबसे बनेगा आपका पाई बॉन्ड, फिर आएगा आपका एक सिग्मा बॉन्ड, फिर आएगा आपका पाई स्टार वाले बॉन्ड्स, आएगा आपका सिग्मा स्टार वाले बॉन्ड। ये कितना आएगा? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया? हाँ वाला, राइट। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन से बच्चों, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से, बट बच्चों ये अनपेयर्ड नहीं है, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? हमारे पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, होमो में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बात आती है N2 प्लस की। N2 प्लस में क्या होगा बच्चों? हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे यहाँ से भी हटा देंगे, तो हमारे पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा N2 प्लस में? देखो N2 में अगर 0 था तो N2 प्लस में कितना आएगा? यहाँ से एक हटा दिया है, अब तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सही। उसके बाद देखो बात क्या है, O2 हमारे क्या है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ऑक्सीजन से 8, दूसरे ऑक्सीजन से 8। इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? तो 1s2 2p4। पी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? पी में हमारे, और क्या करूँ, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। चार देखो बच्चों, तो मैं क्या बना रही थी, हाँ देखो यहाँ पे हमारे 3 है, यहाँ पे हमारे 3, ठीक है। यहाँ डालो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर पे डालो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास डायरेक्टली टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई मिक्सिंग, कोई भी एसपी मिक्सिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, देन हमारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, देन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएगा, देन आपका स्टार मॉलिक्यूलर, ओके, ठीक है। क्या आएगा? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। इसका मतलब ये हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहा क्योंकि ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे हमारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर O2 प्लस बोल रहा है, क्या करना पड़ेगा? हटाओ और एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। अब हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बन जाएगा? ये वाले ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? इसमें आ रहे हमारे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, का मतलब 0, 1, 1, ये वाले के साथ 0, 1, 1 नहीं, ये तो नहीं है, अच्छा ये रहा 0, 1, 2, 1। तो अब
ऑप्शन वन इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।